नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में सफल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर शहरवासियों को धन्यवाद दिया। वहीं श्री वर्मा ने मीडिया के सवालों के जवाब भी बेबाकी से दिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही लोगों का अपार समर्थन मिला है, जिसके लिए कांग्रेस सभी के प्रति कृतज्ञ है। वहीं मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए सज्जन वर्मा ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बताई जा रही है, लेकिन दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर उन्होंने लिया और कहा कि प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, युवा बेरोजगार है, देश में महंगाई बढ़ रही है और किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं पक्ष की बात तो मीडिया में आ जाती है, लेकिन विपक्ष के मुद्दों के लिए अब हमें हर माह प्रेस वार्ता करना होगी ताकि हम अपनी बात जनता तक पहुँचा सकें। मैहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नारायण त्रिपाठी को लेकर एक सवाल के जवाब में श्री वर्मा बोले कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक यदि आंतरिक लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल में है तो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, एमएलए हो या सांसद हो, यदि उसकी बात में वजन है तो उसकी बात को स्वीकार करना चाहिए। दर्शन नारायण त्रिपाठी ने अलग पार्टी बनाने और अलग प्रदेश बनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश में ग्राफ बढ़ने के सवाल पर सज्जन वर्मा ने कहा कि मेरे रोज अलग अलग दौरे कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज का ग्राफ बढ़ने की वजह और कम हुआ है। एक सवाल का जवाब में श्री वर्मा ने तुलसीराम सिलावट पर भी निशाना साधा और कहा कि जो लोग सिलावट के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं वो गली गली की खाक छान रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सज्जन वर्मा ने भाजपा का सहयोगी दल बताते हुए मीडिया के तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। यात्रा राजस्थान बॉर्डर प्रवेश कर रही थी तो वहां का एक वीडियो आया था जिसमें मंच पे राहुल जी ने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को गले मिलवाने का प्रयास किया था, उसको लेकर काफी राजनीतिक बातें हुई। तो ये संदर्भ क्या था, क्यों ये नौबत पड़ी कि गले मिलवाना पड़ा मंच पे? तुम गले मिलो और जाओ, मुझे राजस्थान की यात्रा वापस मध्य प्रदेश संभालो, क्योंकि 15 दिन आप लोग मेरे साथ रहे हो, तब जरा मध्य प्रदेश की खैर खबर लो, बढ़िया दोनों मिलकर काम करो। आज अखबार में छपा है, मैं कोई अखबार आज पढ़ रहा था, बड़ा जबरदस्त छपा है। अजय सिंह ने राहुल जी को कहा कि राहुल जी दोनों बुजुर्ग सब दोनों वो छपेगा, ये दोनों हमारे महानुभाव किसी जवान से ज्यादा केलीवर वाले हैं। आज के अखबार में बड़ी गले लगवाया जा रहा था, ये गले पड़ाया जा रहा था, ऐसा बीजेपी का कहना है। एक बात तो आपको मानना पड़ेगी, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने उस समय कमलनाथ जी की भूमिका निश्चित रूप से बहुत ही जबरदस्त थी जब बने थे। उसके बाद जब कमलनाथ जी बने मुख्यमंत्री उस समय दिग्विजय सिंह की भूमिका सकारात्मक थी। तो जब दोनों मिलकर तालमेल से काम कर रहे हैं, अब हुई घटनाओं का विश्लेषण हम अलग अलग नजरियों से करते हैं। मेरी नजर में तो ये था कि भाई हम दो या दोनों बढ़िया यात्रा करें मेरी, अब जरा 15 दिन दीजिए पूरे आपको मध्य प्रदेश संभालो और फिर जीत के दिल्ली। यहाँ तो इतनी जाता है कि जो सरकार गिरी है उसमें भी दिग्विजय सिंह की बड़ी जबरदस्त भूमिका रही है। अब जो प्रत्यक्ष दिख रहा है ज्योतिराज सिंधे उसका नाम ही बदनावर, तो सीधे सीधे दोगला बन करके आदमी लोगों को लेके भाग गया। अब मैं दिग्विजय सिंह जी को क्या दोष दूं, जो दोषी है वो भी लहराता फिर रहा है जवान। एक अंधकार धुआं सा है, धुंधलापन है, उसको दूर करने के लिए चल रहे हैं। तो धर्म संस्कृति कर्म सारी चीजों का एक सम्मिश्रण इस यात्रा में देखने को मिल रहा है और हजारों हजार लोग इस यात्रा में राहुल जी के साथ पैदल चल रहे हैं, ललायित है उनसे मिलने के लिए, उनके साथ कुछ कदम चलने के लिए। तो मेरा अनुरोध आप सब साथियों से ये कि जिस तरह जब भी कोई इस तरह की यात्रा होती है वो पवित्र उद्देश्यों के लिए होती, चाहे महात्मा गांधी जी ने की, इंदिरा जी ने की हो, विनोबा भावे जी ने की हो, विवेकानंद जी ने की हो, ये पवित्र उद्देश्यों के लिए किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस तरह की यात्रा करना मैं ठीक भी नहीं मानता। यदि आपके मन में राष्ट्र प्रेम देश प्रेम है और कुछ आप अपने नजरिए से ठीक करना चाहते हैं तो इस तरह की यात्राओं से प्रभाव पड़ता है, लोग तो प्रभावित भी होते हैं।
ये यात्रा पवित्र उद्देश्यों के लिए, और निश्चित रूप से एक बात जरूर निकल गई, पत्रकार साहब ने उससे पूछा था आगर में जेल में चार बजे उठ जाते हैं, उन्हें छह छह बजे चल देते हैं, तो कांग्रेस के लोगों कम से कम जल्दी उठने की आदत तो पड़ गई है। बात सही भी है, हम जैसे लोग भी जल्दी उठ के दाढ़ की मजदूरी करने निकल जाते हैं अलग अलग जिलों में, पर यह बात सही है कि कुछ प्रेरणा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिली है कि सुबह जल्दी हो जाए, सूर्य नमस्कार करके हम कांग्रेस के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जो हमारे कर्तव्य है, उसको हम पूरा करें। तो कुल मिला के बात ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस इस तरह की प्रेस वार्ता कर रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।